हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष चंदल। वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज डे 23। लास्ट क्लास का हम कुछ देखते हैं क्या था कि नाउन फॉर्म ढूंढनी थी हमने। लास्ट क्लास में कौन सा रूट वर्ड पढ़ा? ओमनी। ओमनी का मतलब क्या था? ऑल। ठीक है, तो ओमनी वोर बच्चे एक नाउन होता है जो सारा कुछ खा लेता है, मांस मच्छी हर्ब्स वगैरह सब कुछ खाता है। उसको ऐसे इंसान को कहा जाता है, पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? टीचर। तो सभी को, सभी चीज़ों को खाने वाले को क्या बोलेंगे? ओमनी वोर। तो ओमनी वोरस, ओ यू एस वाले तो हमेशा एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो ये आर ई नहीं होता, आर ई तो हो गया, लेकिन ये डबल एस नहीं होता इसमें, क्योंकि यही हमारा नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे आर ओ एस लगा हुआ है, तो आर ई होता है, आर ओ नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अच्छा, सपोज करो लास्ट में आर ई एस लिखा होता तो फिर ये प्लूरल नाउन बन सकता था, है ना। जैसे बॉय का बॉयज बन गया, तो ओमनी वोर का ओमनी वोर्स बन गया, तो ज्यादा लोगों को रेफर करना शुरू कर देंगे, तो उस तरीके से हो सकता था। लेकिन अभी ये भी गलत है। तो नाउन पूछा था, नाउन फॉर्म कौन सी हमारी? ए। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया जी। आज का जो हमारा वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है, पी ट्रिपल एस भी 2022 में जो फॉरेस्ट गार्ड में पेपर हुआ, इसी के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस भी इसी के बेसिस पे थे। और ये एसएससी सीजीएल बैंक में हर जगह यूज होता है, और आपकी डेली लाइफ में भी ये बहुत वर्ड यूज होगा, ठीक है, ध्यान समझना। ये इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी ट्रिकी है। देखो, ज्यादातर लोग इसको पढ़ते हैं ईयूफेमिज्म। ई यूफेमिज्म नहीं है, ये यूफेमिज्म है। इसमें ई साइलेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना। क्या पढ़ेंगे? यूफेमिज्म। इतनी बात समझ आ गई? तो प्रोनाउंसिएशन समझ आ गई जी। और ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नाउन है, इतनी बात भी क्लियर होगी। इसमें ना एक रूट वर्ड छिपा हुआ है जो कि है ई यू। ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है अच्छाई। गुड कह सकते हैं, वेल कह सकते हैं, है ना, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये गुडनेस को रेफर करता है, अच्छी चीजों को रेफर करता है, पॉजिटिविटी को रेफर करता है, प्रेज को रेफर करता है, ठीक है। वेल का मतलब ही तो प्रेज ही हो गया अल्टीमेटली। ध्यान से समझना क्या मैं कहना चाहता हूँ। मैं ना 2018 में दिल्ली में था, तो मैं वहाँ पे एक मॉल में गया, तो लास्ट में मुझे चेकआउट करना था, है ना। तो जो भी हमारा बिल बनता था, तो वहाँ पे जो वो स्टाफ खड़े थे जो जिन्होंने चेकआउट करना था, उनके यहाँ पे एक टैग लगा हुआ था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? डिफरेंटली एबल्ड। क्या लिखा था? डिफरेंटली एबल्ड। तो डिफरेंटली एबल्ड का मतलब क्या है? कि ये इंसान जो है नॉट नॉर्मल। तो मुझे इतना समझ आ गया कि हम लोग जो है बोलते हैं फिजिकली डिसेबल्ड, तो दैट साउंड रूड। एक आपने बोल दिया फिजिकली डिसेबल्ड, है ना। तो आप ये समझो कि हमने ये टर्म को काट के, हमने ये टर्म को यूज किया, ये टर्म जो है किसी को हर्ट नहीं करेगी, किसी को ऑफेंड नहीं करेगी। तो इसी टर्म को, जो टर्म मॉडेस्ट होती है, ग्राउंडेड होती है, किसी को हर्ट नहीं करती, पेनलेस होती है, उसी टर्म को हम कहते हैं ईयूफेमिज्म। तो आप किसी को जब कुछ बोलते हैं, तुमने किसी को बोल दिया कि भाई उन्हें फायर करता किसी कंपनी चो, तो फायर करने की बजाय आप उसको बोल दो कि उसको ले ऑफ किया। आजकल ले ऑफ यूज करते हैं, फायर यूज करते हैं। अगर आपने क्रिटिकल होकर दिखाना है, ऑफेंड करना, तो फायर बोल दो, अदरवाइज ले ऑफ टर्म ज्यादा यूज करते हैं। आपने किसी को बोलना है कि यार ये पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो पुअर फैमिली नहीं बोलते हम बोलते हैं हम्बल फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम्बल फैमिली का मतलब, हम्बल बैकग्राउंड का मतलब यही है कि वो ज्यादा रिच नहीं है, है ना। तो हम्बल बैकग्राउंड बोल सकते हैं, या फिर हम अनप्रिविलेज्ड वर्ड करते हैं। तो उसी टर्म को, एक ऐसे टर्म जो किसी को बुरी ना लगे, उसी प्लीजेंट टर्म को इन प्लेस ऑफ एन अनप्लीजेंट टर्म दैट मे ऑफेंड समबडी, तो उसी प्लीजेंट टर्म को हम क्या कहते हैं? यूफेमिज्म कहते हैं। समझ आ गया जी? आई होप आपको समझ आ गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हाँ ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, आपने लिख दिया डाई, किसी ने वर्ड यूज कर लिया डाई, तो इट साउंड्स रूड समटाइम्स, है ना। तो पास अवे यूज करो, पास अवे ये क्या है? यूफेमिज्म है, ठीक है। फायर की जगह पे क्या यूज करो? ले ऑफ यूज करो। डिसेबल्ड की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? डिफरेंटली एबल्ड यूज कर सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड यूज कर सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और पुअर की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? अंडर प्रिविलेज्ड यूज कर सकते हैं। और फैट की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? कर्वी यूज कर सकते हैं, वेल फेड यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ओल्ड एज की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? गोल्डन ईयर्स यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो सारे हैं, ये हमारे क्या हैं? ईयूफेमिज्म्स हैं। समझ आ गया? ईयूफेमिज्म का मतलब पता चल गया, ईयू का मतलब पता चल गया, कुछ और वर्ड्स देखते हैं, ये नाउन है, पता चल गया कोई अच्छी टर्म को बोलते हैं। नेक्स्ट है यूफोनी। यूफोनी का मतलब क्या है? फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। ये रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? साउंड। तो ईयू का मतलब क्या है? गुड। तो इसका मतलब क्या होगा? प्लीजेंट, प्लीजेंट या फिर स्वीट साउंड। इन अ स्पीच, इन अ स्पीच और म्यूजिक,
ठीक है, कोई सॉन्ग वगैरह चल रहा है ना, तो उसमें जो एक स्वीट सी साउंड आती है जो आपको सूथ करती है, आपको प्लीज करती है, तो दैट साउंड इज कॉल्ड यूफोनी, सॉरी, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और इसका ऑपोजिट होता है कैकोफोनी, CACAPHONY, आगे जाके उसको भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यूलॉजी, इसको ध्यान से समझना, यूलॉजी क्या होता है, यूलॉजी से ही बनता है यूलॉइज और इसी से बनता है यूलॉजिस्ट, ध्यान से समझना। यूलॉजी क्या होता है, कोई भी एक ऐसी स्पीच, कोई भी एक ऐसी चीज, पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है जो किसी की प्रशंसा करे, तो मैं जनरली बोल देता हूं उसको गुड स्पीच, ऐसी स्पीच दैट इज फुल ऑफ प्रेज, क्या बोल सकते हैं, फुल ऑफ प्रेज, समझ आ गया जी। तो कोई भी शब्द हो सकता है, स्पीच हो सकती है, कोई भी एक ऐसी चीज जो आप यूज कर रहे हैं किसी इंसान की प्रशंसा करने के लिए। और यूलोजाइज का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक वर्ब है, ये एक नाउन है, उस स्पीच को, उस शब्द को कहा जाता है। और यूलोजाइज क्या होता है, उस यूलोजी को यूज करना, यूलोजी को यूज करना, तो जो इंसान यूलोजी को यूज करके काम कर रहा है, बोल रहा है कुछ ना कुछ या प्रशंसा कर रहा है, उस एक्शन को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूलोजाइज, समझ आ गया जी, पता चल गया। और जो इंसान इलोजाइज कर रहा है या फिर इलोजी यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलोजिस्ट, क्या बोलेंगे उसको, इलोजिस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, वन हु डिलीवर्स इलोजी, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्पीच ही तो होता है, डायलॉग, मोनोलॉग, ठीक है, पढ़े है ना, तो वो स्पीच ही तो होता है, तो लॉजी का मतलब यहाँ पे स्पीच ही तो है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये नाउन एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है, नाउन है, ध्यान रखना। एडजेक्टिव कैसे बनेगा, इलोजिस्टिक, देखो GIST डाल दिया, जनरली स्टूडेंट्स इसको एडजेक्टिव समझेंगे, एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन है, अगर इसके पीछे एक IC डाल दोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोलूं ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक बताओ, ऑप्टिमिस्ट बताओ कि नाउन है एडजेक्टिव है, ये बच्चे बोलेंगे नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, लेकिन एक्चुअल में होता है नाउन है, ऑप्टिमिस्ट एक नाउन होता है, ऑप्टिमिस्टिक एक एडजेक्टिव होता है, अगर इसके साथ में यहाँ पे IC लगा दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक एडजेक्टिव बन जाएगा, ध्यान रखना। सेम वे पेसिमिस्ट पेसिमिस्टिक, सेम वे इलोजिस्ट इलोजिस्टिक, समझ आ गया जी। चलो आई होप आपको समझ आ गया, यूलॉजी मतलब क्या होता है कि एक अच्छी स्पीच, एक अच्छा शब्द जो हम किसी की प्रशंसा करने के लिए यूज कर रहे हैं, फिर प्रशंसा अपने आप ही कर रहा है। इलोजाइज का मतलब क्या होता है, इलोजी का यूज करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलोजाइज। इलोजिस्टिक क्या होगा, जो इंसान इलोजाइज कर रहा है या फिर इलोजी को डिलीवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलोजिस्ट। इलोजिस्टिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इलोजाइज समझ आ गया, इलोजी समझ आ गया, यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है, ये एक नाउन है, ठीक है, एक ऐसी स्टेट है जहां पे आप कह रहे हैं भाई मजा आ रहा है जिंदगी में, सब कुछ ठीक है, ओके है, बढ़िया है, तो अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जैसे एग्जांपल से मैं समझाता हूं, आपको अपनी मनचाही जॉब मिल गई, आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, आपको पटवारी बनना है, आपको क्लर्क लगना है, आपको चाहिए भी, आप गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, जिस दिन आपको लग गए जो, तो जो वो फीलिंग आएगी ना यार बस अब है ना, तो स्टेट ऑफ आप कह सकते हैं पीस मिल रहा है आपको है ना, कंटेंटमेंट आ गई अंदर से, तो ब्योएंसी आ गई, तो उस केस में हम ये वर्ड यूज करते हैं यूफोरिया, उस स्टेट को कहते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं जहां पे आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस पे होते हैं या फिर कंटेंटमेंट पे होते हैं, ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो। नेक्स्ट है यूथोनेशिया, ध्यान से समझना, यूथोनेशिया, यूथोनेशिया नहीं, यूथोनेशिया, तो ये हमारा एक नाउन है, ध्यान से समझना। आप देखो EU का मतलब तो क्या है, गुड है, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा थैना, क्या लिखा, THAN, थैना से क्या जा रहा है, थैनोस, थैनोस का पर्पस क्या था, सबको क्या क्या करना था, मारना था, सबको क्या देना था, डेथ देनी थी, आधी दुनिया को खत्म करना था ना, उसको पीस लेके आना था भाई, यही तो था मार्वल में। तो यूथनेशिया का मतलब क्या है, यूथनेशिया का मतलब क्या है, गुड डेथ, क्या मतलब है, गुड डेथ, पेनलेस डेथ, एक ऐसी मौत जिसमें दर्द ना हो। अब कोई इंसान है, मरीज है, वो मरे जा रहा है, उसका कुछ हो नहीं सकता, सबको पता है, तो उस इंसान को और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उस इंसान को क्या करना पड़ेगा, यूथनेशिया करना पड़ेगा, उसको पेनलेस डेथ देनी पड़ेगी। ऑल्दो इट इज नॉट लीगल, लेकिन मुझे लगता है, पता नहीं होता है नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, कि ऐसी डेथ होती है जहां पे पेन नहीं दिया जाता, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, यूथनेशिया कहते हैं, समझ आ गया। थैनोस से आप याद रखोगे, थैनो का मतलब ये क्या होता है, डेथ होता है, ठीक है, और यू का मतलब गुड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुड डेथ कह सकते हैं या फिर पेनलेस डेथ कह सकते हैं, समझ आ गया जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
और मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है, यूफोरिया का आपने क्या करना है, सिनोनियम बताना है, तो इन में से बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।